जैसे कि कल के पहले मैच में भी प्रेडिक्शन दी गई थी कि प्रोबेबिलिटी जीतने की मुंबई इंडियंस की है, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग बेंगलोर की आए तो मैच में कुछ भी फेरबदल हो सकता है, जो कि हुआ, क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादातर बैटिंग पिच रहती है या फिर जो बैट्समैन है वो डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल लेवल के सुपीरियर रहते हैं, मीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, जिसकी वजह से चेस करना आसान रहता है। तो आज की बात की जाए, दिल्ली और चेन्नई का मैच है मुंबई में वानखेड़े में, जिसका सभी को पता रेड सोल पिच है, जिसकी वजह से स्कोर बहुत ज़्यादा लगते हैं, 170-180 पार स्कोर माना जाता है इन ग्राउंडों के अंदर। और टीम की बात की जाए तो धोनी के ऊपर जो कप्तान है दूसरा वो है ऋषभ पंत, फ्रेश है, नया कप्तानी का जिम्मा उठा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। और दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत पहले मैच में आएगी, रबाडा और नोटरेज अवेलेबल नहीं है जो साउथ अफ्रीका के टूर से यहाँ पे आए हैं आईपीएल खेलने, और ये इनके मेन बॉलर माने जाते हैं शुरू से, पिछले आईपीएल में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो सिर्फ इन दोनों की वजह से ही मैं इस टाइम दिल्ली के अगेंस्ट हूँ आज के मैच में, और चेन्नई को फर्स्ट प्रायोरिटी दे के चल रहा हूँ कि चेन्नई ये मैच विन करेगी, चाहे फर्स्ट बैटिंग पे आए चाहे सेकंड बैटिंग पे आए। तो एंटरटेनमेंट के प्रोस्पेक्ट से जो मैंने एनालाइज किया है वो यही है, चेन्नई का पलड़ा इस मैच में दिल्ली से भारी है और वो दिखेगा भी आपको मैच के बिटवीन, और धोनी का जलवा दिखना जरूरी है आज के दिन। ऑलराउंडर बहुत है इनके पास, जैसे सैम करन, रविंद्र जडेजा, बेसिक ऑलराउंडर्स में आते हैं, और लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार भी रही है। तो आज के मैच की प्रेडिक्शन जो रहेगी हमारी वो रहेगी चेन्नई, महेंद्र सिंह धोनी। और गाइस, जो भी मैं आपको ये सब प्रोवाइड करता हूँ प्रेडिक्शन एंटरटेनमेंट के प्रोस्पेक्ट से, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि दिए गए टेलीग्राम चैनल जो सूफी बाबा के नाम से है इसको सब्सक्राइब करो, ताकि और भी अपडेट कोई मैच के बीच में तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपको ये लगे कि हमारी जो एनालाइज करने वाली टीम बैठी है वो कितना हार्डवर्क करती है, मेहनत करती है, ताकि आप सबको एंटरटेनमेंट दिया जाए। धन्यवाद।